सबसे पहले सबको हैप्पी होली। हैप्पी होली। ये होली हमारे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि इस बार कोविड नहीं है, सबसे बड़ा रीज़न हमें मास्क नहीं लगाना पड़ रहा है। और दूसरी बात है कि ये गाना हम लोग लास्ट ईयर से प्लान कर रहे थे कि ये अश्मी सिंगर है और इसने लास्ट ईयर भी मुझे बोला था, बट कोविड का टाइम था तो हम लोग नहीं कर पाए ये सॉन्ग। तो ये टाइम था जो हमें चांस मिला इसको शूट करने के लिए, और गाना बहुत अच्छा है, सर ने जो लिखा है बहुत अच्छा सॉन्ग है। तो बस, और बहुत मुश्किल से ये हो पाया है क्योंकि हम लोगों ने एक दिन में ये सॉन्ग किया है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए बट हो गया। ये होली हमारे लिए इंडियन फेस्टिवल है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो हम लोगों ने सोचा कि ये टाइम बहुत अच्छा है कि इस सॉन्ग को शूट किया जाए। तो और सॉन्ग भी बहुत उसका बीट बहुत प्यारा है, म्यूज़िक बहुत अच्छा है, तो हम लोग लिरिक्स भी बहुत अच्छे हैं, तो हम लोगों को ये लगा कि होली के लिए ये सॉन्ग बहुत अच्छा रहेगा, ये ट्रेंडिंग टाइम है, इसलिए हम लोगों ने ये टाइम पे और मड में शूट किया हम लोगों ने। मैं एमी नीमा, आई एम फ्रॉम उज्जैन और महाकाल की नगरी से हूँ मैं, और ये अश्मी रिशाल, नमस्ते, राजदीप वाजपेयी और नाइजल और अंसारी सर, आलोक सिंगर और मैं आलोक। आलोक, आपने गाना गाया है? हाँ, जो मेल वर्जन है वो मैंने गाया है। गाने का एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, एक्सपीरियंस क्या कहा जाए, एक तरह से सर तो गुरु हैं हमारे और सर ने बहुत अच्छा गाना लिखा है, बहुत कुछ सीखा है इस राष्ट्र से हम लोगों ने, और इनको कौन नहीं जानता, इन्होंने सरफरोश का गाना लिखा जिंदगी मौत ना बन जाए। सर का मुझे फ़ोन आया कि आलोक एक गाना करना है लेकिन होली का गाना है, मैंने कहा सर करेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो मुझे सर ने कहा ऐसा करो तुम स्टूडियो आओ, स्टूडियो पहुँचे, हम लोग गाना सुनाया। फिर अमी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, अश्मी मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, नहीं अमी भी मेरी दोस्त है, दुश्मन बट अश्मी पहले दोस्त थी, उसके बाद में फ्रेंड बनी। बोला कि मतलब हम दोनों मिलके एक गाना कर रहे हैं और मैं गा रही हूँ, मेल वर्जन तुम गाओ, तो इस वजह से एक खूबसूरत सा गाना बना है आज आपको के सामने है सब। और जैसा कि एमी ने कहा कि इस बार होली मास्क वाली नहीं है, रंगों वाली है, मास्क वाली नहीं है, मास्क फ्री होली है इस बार। और ये बहुत अच्छा टाइम है, हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं फ्री होके, बिंदास टेंशन नहीं है कि यार कोविड का प्रॉब्लम है और ये सब, वो हेडेक नहीं है इस बार, इसलिए होली ये बहुत स्पेशल है और हमारा सॉन्ग भी बहुत स्पेशल है। डबल सेलिब्रेशन है। सॉरी, सर गाने के बारे में मैं आपको जेन्युइन बताता हूँ, मैं आपको जब उन्होंने पहली बार मैं गाना सुना था, हम लोग घर पर थे और अश्मी ने मुझे ये गाना सुनाया था, तो उसने बोला था कि ये गाना मेल वर्जन में तुम करोगे, तो गाना मुझे पहले से मुझे इतने अच्छे लगे, उसके बीट मुझे बीट से बहुत बहुत प्यार है। हाँ, बीट उसकी इतनी अच्छी थी, हम लोग रात भर सिर्फ इस गाने पे से डांस किया था। फिर हमने प्लान आउट किया इसको कि हम लोग कैसे करें इसको, टाइम बहुत कम था हमारे पास, बहुत कम टाइम था, और जिस तरह से हम लोग प्लान आउट करते थे शूट करने का, उसके लिए हम लोग बहुत टाइम चाहिए था, तो हम लोग को रिहर्सल्स भी चाहिए थे उसके लिए हम लोग को टाइम भी चाहिए था शूट करने का। कैन यू इमेजिन, हम लोगों ने सिर्फ इसको 9 घंटे में हम लोगों ने पूरा शूट किया, सिर्फ 9 घंटे हम लोग को मिले थे शूट करने के लिए, क्योंकि लाइट भी जा रही थी और हम लोग को सिंक करना था, एक दिन हम लोग को रिहर्सल के लिए मिला था, और एक दिन में इतना कुछ हुआ कि क्या पता, क्योंकि सिंक चाहिए सबको, और एक दिन पहले मैंने ये ड्रेस डिजाइन किया है। सबने ड्रेस अपनी खुद बैठ के डिजाइन किए, कैसे इसको प्लान आउट करेंगे, वो बहुत हेक्टिक था मेरे लिए कि ड्रेस क्या क्या पहने, होली के लिए वाइट ही होना चाहिए। फिर हम लोग मार्केट गए, भाग के परचेस किया मटेरियल, और लकीली हमें टाइम पे मिल गया ड्रेस और अच्छा भी लगा। उन्होंने 1-1 बजे तक रात में हम लोग जाके सारी चीज़ अरेंज की है, कभी किसी का कुर्ता मैच नहीं कर रहा था, कभी कुछ मैच नहीं कर रहा है, फिर कुछ बोल रहा है कि मेरे एक्सप्रेशन अच्छे नहीं आए, पहले मुझे उसको टाइम देने दो। एडिटिंग में बहुत टाइम एडिटिंग में बहुत बहुत कट किए, बहुत सारी चीज़ें सिंक नहीं कर रही थी, उसको सिंक मिलाना बहुत जरूरी था, क्योंकि बीट्स इतनी फास्ट है तो उसमें शॉर्ट्स भी बिल्कुल डिवीजन बहुत अलग अलग तरीके से करना था हम लोग को,
और फिर सबको है कि सबके बराबर बराबर वैसे भी आए कि एक्सप्रेशन अच्छे लगे। फिर अश्मी का था कि मैं कब तक मैं पूरी तैयार नहीं होंगी तब तक मैं अच्छे से करूँगी नहीं। तो इसके नखरे भी इतने थे कि मैं अपने हिसाब से करूँगी, तो वो भी सारे थे। हम लोग को सब चीज़ें मैनेज करी थी। और सर की बात कैसे, सर इतनी बिजी है कि आज हम पहली बार उनसे मिल रहे हैं। फिर सर से उन्होंने अभी दो दिन पहले सर से मुलाकात हुई थी, तो इतना अच्छा लगा गाना। बाद में इन लोगों से मिलने को मुलाकात हुई जब पहले गाना सुनने को मिला था, गाना इतना अच्छा था और हमारे लिए बहुत डबल सेलिब्रेशन है ये। तो होपफुली जितना हो सके इसको रीच पहुँचाइए उसको, और हम लोगों जितना हम लोगों ने मेहनत की उसको उतना मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ओके ओके, आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैं पहले भी सॉन्ग्स कर चुकी हूँ, बट ये होली का सॉन्ग है ये मेरे लिए बहुत स्पेशल है। तो और इसके बीट, इसमें डांस है प्रॉपर, जो मुझे प्रॉपर डांस करने मिला इस गाने में, वो रोमांटिक वोमेंटिक बहुत कर चुकी हूँ इसलिए मज़ा नहीं आ रहा था, और इसमें मुझे प्रॉपर फन मिला। उसमें इतना फन, मतलब मस्ती नहीं होती है जो इस सॉन्ग में थी, और जो होली की एक्साइटमेंट होती है ना वो अलग ही होती है कि होली कलर और कलरफुल होती है बहुत, तो उसमें अलग ही मज़ा है। और जिस तरह डायरेक्टर सर ने इसको डिजाइन किया, कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है इसका। तो आपने देखा होगा स्टार्टिंग में क्या है, क्या प्लान होली पार्टी, और एंड कैसे होता है कि सारे लोग भूत बने हुए हैं उस पार्टी में। भूत वाली होली ये इंटरेस्टिंग है। सिंगिंग के साथ साथ सबसे पहले मैं आप सभी को हैप्पी होली कहना चाहूँगी। इसमें ऑलरेडी सब लोग बोले थे कि मुझे एमी मेरी बेस्ट फ्रेंड है तो बोल रही थी कि तुम भी कर लेना ये गाने में, क्योंकि हम दोनों साथ में आए, इसलिए मैंने किया। पर मेरा ज़्यादा सीन नहीं है, फिर भी जो किया है ठीक है। बस वेल मेरे लिए गुरुजी ने मुझे कॉल किया कि नाइजल ये गाना है और आना है तुझे, तो मैं पहुंच गया रिहर्सल के लिए और रिहर्सल मस्त चला और तुरंत इतना फटाफट हम लोगों ने किया और डायरेक्टली शूट किया। आई गेस रिहर्सल्स और शूट के बीच में मुझे सिर्फ 3 घंटे की नींद मिली थी एंड स्टिल मेरा स्पिरिट बहुत अलाइव था, और जब शूट के दिन में आई वॉज लिविंग एवरी मोमेंट ऑफ इट, एंड इन लोगों के साथ इतनी अटैचमेंट बन गई कि मैंने शूट के बाद आई वॉज टेलिंग देम कि मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। इतनी थी लेकिन जाने का मन ही नहीं कर रहा था। बहुत एंजॉय किया मैंने शूट को, क्योंकि ये बहुत अच्छी टीम थी, कोरियोग्राफर्स बहुत अच्छे थे, वो अभी आ नहीं पाए, बिजी है वो, उनका स्केड्यूल बहुत ज्यादा, टेक्निकल टीम बहुत अच्छी, बहुत अच्छी, बहुत सपोर्ट किया उन्होंने हमारे फ्लॉस को, उन्होंने जिस तरह से हाइड किया ना वो बहुत अच्छे से किया उन्होंने, क्योंकि 9 घंटे में इसको शूट करना इस हिसाब से बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। डबल कैमरा सेटअप के साथ हम लोगों ने किया पूरा, और सबके साथ पूरे सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट था, सबको मर्ज करना था। इसमें हमारी इमाद सर हैं, संजय दा है, डायरेक्टर सर हैं, और इन लोगों ने बहुत हेल्प किया, बहुत अच्छा। संजय दा और इमाद सर ने तो हमारी बहुत हेल्प की है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, उसके कारण ये गाना बन पाया हमारा। मैं क्या कहना चाहूँगा, बात वही है कि सबसे पहले होली की शुभकामनाएं सभी को, और जैसा कि मोहतरमा ने कहा है कि इस बार की होली वाकई बहुत रिलैक्सेबल है, और शायर हो तो शेर से ही शुरुआत करूंगा कि जो जिंदगी में भुलाना न हो कभी मुमकिन, कुछ इस तरह से सजी आज की ये महफिल है, निगाह एक ही जानी भला उठे कैसे, हर एक चेहरा यहाँ देखने के काबिल। अरे अरे क्या बात है। और आप क्या पूछना चाहती हैं, पूछिए आप। गाने की जर्नी का ऐसा है कि ये मेरे लिए बड़ी खुशकिस्मती है कि ये तीन है ना, तीनों हमारे शागिर्द हैं, वो KNK से है किशोर नवीन कपूर, ये भी वहाँ जा चुकी हैं और भी दूसरी जगह थी एज ए सिंगर, ये महाशय बहुत पहले से हमारे शागिर्द हैं, तो ये ज़्यादा हमको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी थी कि हम बहुत अच्छे तरीके से इनके साथ काम कर सकें।
तो एक और पहले भी एक गाना हमने किया था इनके साथ, वो भी गाना बहुत अच्छा था, इन्होंने बहुत अच्छा गाया था। तो उसके अलावा फिर बात वही चल रही थी कि कोई रोमांटिक गाने तो बहुत हम लोग करते रहते थे, जैसा एमी ने बोला कि कुछ गाना ऐसा होता है जैसे फोक होता है या कोई फेस्टिवल सॉन्ग होता है, और वैसे बनते तो बेशुमार हैं, लेकिन उसमें कुछ अलग से कोई बात होनी चाहिए। जैसा कि बार बार ये लोग, हमने नहीं बोला इनको, टिकट नहीं दिया कि बोलो, लेकिन दिल कह रहा इनका बोलने का, वो बीट और वो अट्रैक्शन, वो धुन जो हमने बनाई और जो लिखा। तो जब ये सब मामला हो गया तो गाना तो एक साल पहले बन गया था, लेकिन रिलीज वीडियो वगैरह नहीं बन सका, कोविड का मामला ऐसा था। तो इस गाने की किस्मत में ये दिन, ये साल, ये तारीख मुकर्रर थी मेरे ख्याल से, तो बस आप लोगों के सामने है। और इस गाने में जो वीडियो जिसने भी मतलब शूट किया है, नाम मुझे याद नहीं, रंजीत सर, वो इतना एक्सीलेंट है ना कि मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, इसलिए कि बहुत सारे वीडियो वगैरह हम लोग देखते रहते हैं। इसकी फीलिंग जो है ना, ये इतनी रिच है कि होली सॉन्ग होते हुए भी मतलब इसके अंदर बहुत रिच है। ये मेरी राय है, हो सकता है कोई मुत्तफिक हो या ना हो हमारी राय से, बट जो मेरे दिल में लगा वो मैं बता रहा हूँ। अब बाकी इन लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, स्पेशली एमी फर्स्ट सेकेंड राज, थैंक यू सो मच, बाद में आते हैं। लिरिक्स राइटर मैं महसूस कर सकता हूँ कि मतलब तुमने कितना अच्छा किया। थैंक यू सो मच, इसी तरह मेरी दुआ है, तुम लोग करती रहो। गाने की सबसे बड़ी बात यह है कि सर ने लिखा भी है और कंपोज भी किया, लिखने के साथ साथ कंपोज भी किया। ऐसे और बहुत सारे गाने हैं जो रेडी हैं, अभी धीरे धीरे सब आएंगे। अच्छा है सर, पिछले साल इसको रिलीज नहीं किया तो मैं नहीं होता, और इस साल रिलीज किया तो मैं नहीं। खिड़की खुली है जिगर की पिया, रंगों की पिचकारी दिल पे चला, होली में भीगे न चोली अगर आएगा, होली का कैसे मजा, तेरे प्यार का गुलाल मेरे गाल पे लगा, पिचकारी तुझ पे चलाऊंगा मैं, पहले जरा मेरे नजदीक आ, मस्ती का मौसम है मस्ताने को, अपनी नशीली नजर से पिला, मेरे प्यार का गुलाल मेरे गाल पे लगा, पिचकारी तुझ पे चलाऊंगा मैं, पहले जरा मेरे नजदीक आ।
Thank you.